बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज मैं जिन्न शयातीन देवो परी भूत प्रेत और अरवाह खबीसा वगैरह को इंसान से और इंसान की वजूद कारोबार और गैरबार से निकालने और बेदखल करने और दफ़ा करने का आजमूदा तरीन और ताकतवर तरीन अमल पेश कर रहा हूँ नाज़रीन। बाकी तफसील टेक्स्ट वीडियो में दी गई है। सिर्फ एक चीज़ ज़रूर नोट करें नाज़रीन कि अगर जिन्न शयातीन को इंसान से दफ़ा करना मुराद हो, यानी इंसानी वजूद से दफ़ा करना, दूर करना, बेदखल करना, निकालना मुराद हो, तो उस दुआ में उतरकू के बाद आपने क्या लिखना है? साहिब किताबी हाजा लिखना है। साहिब किताबी हाजा, इसको रेड लाइन में मैंने उसमें किया है, आपको नजर आएगा, ये लिखना है आपने। और अगर इन जिन्न शयातीन को घर बार और चादर चार दीवारी से बेदखल करना या निकालना हो, तो उतरकू के बाद आपने क्या लिखना है? हाजल मकान, हाजल मकान लिखना है नाजरीन। मजीद जानने और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्कॉलर टीवी को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया नाजरीन। यह अमल नाजरीन मैंने अरबी की तीन मुख्तलिफ कदीमी और पुरानी किताबों से तर्जमा किया है। ये देखें नाजरीन स्क्रीन पर अरबी की पहली किताब का सफ़ा, अच्छी तरह देखें और तसल्ली करें ताकि मैं दूसरी और तीसरी किताब दिखा दूँ आपको। देख लिया नाजरीन, तीनों सफ़हात मुख्तलिफ है, खूब निशानी करें। अब देखें यह अरबी की दूसरी किताब का सफ़ा है। देखिए नाजरीन स्क्रीन पर, खूब तसल्ली करें, इस पेज और उस पेज में फर्क वाज़े है। दूसरी किताब का सफ़ा देख लिया नाजरीन। अब स्क्रीन पर देखें अरबी की तीसरी किताब का सफ़ा, तीनों में जो ना ये हिर्ज़ अबू दुज्जाना रदी अल्लाह अन्हो मौजूद है नाजरीन, तीनों अरबी की पुरानी और कदीमी किताबों में। मैं नाजरीन आपके लिए बग़ैर सबूत के मामूली आमाल वज़ाइफ पेश नहीं करता। ये तीनों किताबें 13 साल, 17 साल और 30 साल पहले इराक और बेरूत लिबनान से शाये हो चुकी है नाजरीन। वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आइए नाजरीन टेक्स्ट वीडियो की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हिर्ज़ अबू दुज्जाना रदी अल्लाह अन्हो क्या है और किस काम के लिए है। आइए